लगाया कि विपक्षी नेताओं को प्रशासन नजर बंद कर रहा है। कई जिलों में अधिकारी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, अखिलेश यादव का आरोप। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग इसका संज्ञान लें, ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाए, पक्षपात करने वाले अधिकारियों को हटाया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये कह रही है कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो काउंटिंग सेंटर्स पर पूरी नजर रखेंगे, अगर धांधली होगी तो फिर हमें वहां शिकायत करनी पड़ेगी। इस बीच माधवी लता हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। माधवी लता जी, किस तरह की का उत्साह है? आपने चुनाव तो बहुत दमदार लड़ा है, अब नतीजे का दिन, एग्जाम के रिजल्ट का दिन है, कितना उत्साह है? ये देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीर है माधवी लता की, चूंकि आज काउंटिंग हो रही है, सबकी नजरें हैं, और इससे पहले भी हमने देखा कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी, माधवी लता बीजेपी के एजेंट्स कई जगहों पर जाकर देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे कि वोटिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। ये तमाम तस्वीर लोगों ने देखी, सबसे पहले पूजा अर्चना की है माधवी लता ने, चूंकि आज नतीजे का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप कोई परीक्षा देते हैं तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए आप अपने इष्ट देव को जरूर प्रणाम करते हैं। तो माधवी लता देखिए आज काउंटिंग से पहले पूजा अर्चना करती है। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है और विपक्षी नेताओं को प्रशासन नजरबंद कर रहा है, ये आरोप लगाए हैं। कई जिलों में अधिकारी कर रहे हैं असंवैधानिक कार्य, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग संज्ञान में ले, अखिलेश ने ये बात कही है और कहा कि ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाए। हालांकि उन्होंने जो वीडियो जारी किया था उसके बारे में अलीगढ़ के एसपी की तरफ से बाकायदा ये सोशल मीडिया साइट पर ही क्लेरिफिकेशन दिया गया कि ये वीडियो गलत है और ये वीडियो अलीगढ़ का भी है भी नहीं, ये कहा गया था। अखिलेश यादव हो या विपक्ष के दूसरे नेता हो, कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर के तमाम नौकरशाहों से, तमाम अधिकारियों से अपील की थी कि वे पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के मतगणना की प्रक्रिया को पूरी कराएं। तो आज काउंटिंग का दिन है, यूपी के डीजीपी ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है, कहीं भी काउंटिंग सेंटर पर कोई हंगामा, कोई बवाल, कोई उपद्रव या किसी तरह की कोई गड़बड़ी या अफवाह फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के डीजीपी ने इसकी सख्त चेतावनी दी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और समय आने पे उसका उन व्यक्तियों के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, मतगणना से पहले पोलिंग सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा, सभी राज्यों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम केंद्र पर रात भर पार्टियों के कार्यकर्ता भी डटे रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों की ओर से बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है, जहां इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये आरोप लगा रही है लगातार कि प्रशासन जो है निष्पक्ष नहीं है, वहीं बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश में बाकायदा राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की है और यह कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इन सब के बीच 6 तस्वीरें कनॉट प्लेस दिल्ली की, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, उत्तराखंड के देहरादून की और महाराष्ट्र के मुंबई के साथ साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर और गुजरात की राजधानी गांधीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये, यूपी के डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, मतगणना को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने कहा मतगणना केंद्रों पर दंगा फसाद करने की साजिश है। बिल्कुल बयान दिया है डिप्टी सीएम ने, चुनाव आयोग से दर्ज कराई है उन्होंने ये शिकायत। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भड़काऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को दंगा फसाद करने का संदेश दिया है और इसको लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। दंगा कराने की साजिश रची है, उसके बारे में हमने कहा कि एहतियाती कदम उठाए जाएं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोगों को उकसाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी पूरी जांच कराई जाए और उपद्रव और दंगा न होने दिया जाए, मतगणना शांतिपूर्वक हो।
और इन सबके बीच अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें भी दिख रही हैं, मिठाइयों के ऑर्डर दिए गए हैं प्रत्युष, आतिशबाजी की भी तैयारी पूरी होती है। सबसे ज्यादा तैयारियां तो मुझे लग रहा है कि हर प्रदेश में बीजेपी के दफ्तर पर की गई है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो दिल्ली मुख्यालय हो, चाहे वो लखनऊ हो, हर जगह देखिए अभी से ही तैयारी हो गई है। कहीं 201 किलो लड्डू है, कहीं 400 किलो लड्डू है, मतलब लड्डू की भरमार है, मतलब इस समय लड्डू की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, और जिस तरह से एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक तो लड्डू बनते हैं बीजेपी के, लेकिन अक्सर ये होता रहा है कि एग्जिट पोल से, लेकिन सवाल ये है ना चंदन की आज जीत का लड्डू कौन खाएगा। बिल्कुल, ऑर्डर तो आप दे देंगे लेकिन जीत का लड्डू किसके नसीब में होगा ये तो जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अब से थोड़ी देर में 8 बजे से जी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पूरा पैनल मौजूद है, के हर हिस्से के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गेस्ट के नाम हम आपको बता देते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकिशोर जी, आरती टिक्कू जी हैं, अजीत शुक्ला जी हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, साथ ही लक्ष्मी देवी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दक्षिण भारत के बारे में विशेषज्ञ हैं, साथ ही फिरोज बख्श साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ कल्लोल भौमिक साहब भी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के मामलों के जानकार हैं। सभी से हम लेंगे विस्तार से जानकारी, और इस वक्त माधवी लता क्या कह रही हैं अपने दर्शकों को सुनाते हैं। उज्जवल भारत, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द पीपल ऑफ हैदराबाद? आई वुड वांट टू टेल द एंटायर हैदराबाद वोटर्स दैट ऑल माय डियर वोटर्स, यू रियली डन अ ट्रेमेंडस जॉब, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी हर्डल्स यू स्टिल मेड इट अ पॉइंट टू कम आउट ऑन मे 13th, यू हैव ट्राइड टू शो योर बेस्ट, यू बीन रियली लवली, यू बीन वंडरफुल, यू रियली हैव कोऑपरेटेड एज अ वोटर विद मी, आई लव माय हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स irrespective of all the religions, all the caste, creed, gender, from the all 7 assembly constituencies. If there has been any discrepancies, it has been only from the state government and not by my beloved voters. नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारतीय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। वो सरकार बनाने का है जो कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, महंगाई पे काम कर सके, जनता को रिलीफ दिला सके, और इसलिए ये बदलाव का चुनाव बिल्कुल सफल होगा। तो सोमनाथ भारती जो कि नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, और उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है, वो ऐलान प्रत्युष की अगर तीसरी बार जीत गए नरेंद्र मोदी तो बाल मुंडवा लेंगे, ये बात उन्होंने कह रखी है। देखना है जल्दी से मेहमानों का रुख कर लेता हूं। आरती टिक्कू जी, मतलब सबके अपने अपने दावे हैं, सबसे पहले तो मैं तस्वीरों पर ही बात करूंगा। देखिए लड्डू अभी से ऑर्डर कर दिए गए हैं, बीजेपी दफ्तर में तो पहुंच भी गए हैं, लेकिन सवाल है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 घंटे, जब रुझान तो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नतीजे आपको क्या लग रहा है, कब तक इस बार, लोग कह रहे हैं 11 बजे पता चल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 12-1। देखिए लॉजिकल सी बात है, हर कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे भी उसके बाद भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो लॉजिकल सी बात है कि वो उनको पहला जो इनविटेशन मिलेगा प्रेसिडेंट से वो बीजेपी को ही मिलेगा सरकार बनाने के लिए, तो इसमें तो कोई कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लड्डू ऑब्वियसली बनेंगे, कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बहुत महीनों से काम चल रहा था इलेक्शन कैंपेनिंग का, मुझे लगता है कि जीत का लड्डू ऑफकोर्स इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही खाना। राजकिशोर जी, अगर बात की जाए, छात्र दो तरह के होते हैं, एक छात्र जो कि पहले दिन से परीक्षा की तैयारी शुरू करता है, और दूसरा छात्र वो होता है कि एक महीने पहले जो है जोरदार पढ़ाई करता है। यहां बात की जाए बीजेपी की, तो वो छात्र है जो पहले दिन से तैयारी कर रहा होता है, और ये लड्डू कहीं ना कहीं जो बट रहे हैं अभी से बनना शुरू हो गए हैं, उस कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। बिल्कुल, दरअसल लड्डू मन में फूटना अलग बात है और उसका मुंह तक पहुंचना अलग बात है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो चरावैती वाला जो उनका सूत्र वाक्य है उस पर चलते हुए वो हमेशा चुनाव की तैयारी या उनकी तैयारियां चुनाव के बाद, अब देख लीजिए नतीजे नहीं आए, प्रधानमंत्री ने आगे 100-150 दिन का अपना रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस समय जरूर कहना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से तमाम दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया है, मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और उन कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहिए। जरा जरा कांग्रेस दफ्तर का रुख कर लेते हैं, रवि त्रिपाठी कुछ वहां से तस्वीरें हमें भेज रहे हैं। रवि,
बिल्कुल देखिए कांग्रेस दफ्तर में लड्डू तो बीजेपी दफ्तर में बट रहा है लेकिन यहाँ लड्डू नहीं फूट रहे हैं। यहाँ तो हार को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त दिख रहे हैं पहले से। ये देखिए पोस्टर लेकर आया गया है और ये जगदीश शर्मा है। आपने देखा होगा कि आमतौर पर ये कांग्रेस दफ्तर में सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तमाम सारी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन इस बार पोस्टर में क्या लेकर आए हैं, देश का लोकतंत्र और संविधान जीतेगा या मोदी की ईवीएम। यानी हमने अभी इनसे बातचीत की तो इनका मानना है कि हवन तो इस बार नहीं करेंगे क्योंकि जब हार हो रही है तो हवन करने का क्या मतलब है। मतलब पहले ही हार मान चुके और इनको भरोसा है कि ईवीएम में कुछ भी हो सकता है। इनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और 340 से ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री जीतेंगे। तो ये पोस्टर्स लेकर, ये बैनर लेकर सुबह ही हार कबूल लेना कांग्रेस दफ्तर में आकर, ये बड़ी बात है। तमाम इनके कार्यकर्ता है जो हर बार आते हैं, मैडम भी इधर, आप आइए, आगे आएंगे। पहले ही ईवीएम पर सवाल उठाने नेताओं ने शुरू कर दिए, कार्यकर्ता भी उसी तरह के पोस्टर बैनर लेकर आ रहे हैं। क्या ये पहले से ही स्वीकार किया जा रहा है कि क्या नतीजे होने जा रहे हैं? लेकिन इस बीच बड़ी खबर, बिहार में पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती से पहले विवादित बयान दिया है। पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा कि मतगणना के समय मरने की तैयारी करके आना, सिर पर कफन बांध के आना है। अगर पूर्णिया सीट पर लोकतंत्र की जबरदस्ती मौत होती है तो महाभारत होगा। बेहद भड़काऊ बयान दे रहे हैं सभी दलों के नेता, खासतौर पर इंडिया ब्लॉक के और विपक्षी दलों के नेता, और पप्पू यादव का भी ऐसा ही बयान सामने आया है। अभी आपने देखा कांग्रेस मुख्यालय के पास की तस्वीर। काउंटिंग को पारदर्शी रखे, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आए, कफन बांध के आए। पूर्णिया की सीट सबसे हॉट सीट है, याद होगा आपको चंदन की, कैसे इंडिया गठबंधन में आरजेडी वर्सेस पप्पू यादव हो गया था। पप्पू यादव ने कहा था कि मैं तो पूर्णिया का आया हूं और पूर्णिया से ही मैं चुनाव लड़ूंगा, वहीं से वो ताल भी ठोक रहे हैं। उनकी वो रोने वाली तस्वीर भी सामने थी, लेकिन ये बयान मुझे लगता है काफी भड़काऊ बयान है। ये बात बिल्कुल भड़काऊ बयान है और ये कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि भाई लोकतंत्र है, यहां महाभारत नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, महापर्व है, महाभारत नहीं है।